मानदेय बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को पूरा करने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में सीएम धामी ने आंगनवाड़ी कर्मियों के 2,00,000 रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा और आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन फ्री देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री धामी ने आंगनवाड़ी संगठनों द्वारा वर्षों से की जा रही मानदेय को बढ़ाने की मांग को पूरा करने पर मुख्यमंत्री धामी और विभागीय मंत्री रेखा आर्य का आभार जताया। गढ़वाल मंडल की कार्यकर्त्रियों द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया और कुमाऊं मंडल की कार्यकर्त्रियां 12 दिसंबर को हल्द्वानी में कार्यक्रम आयोजित कर सीएम का आभार जताएंगी। सीएम धामी ने आंगनवाड़ी कार्मिकों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए पिछले महीने के बढ़े हुए मानदेय को मन से ही एक क्लिक कर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के खाते में स्थानांतरित किया। 33,614 आंगनवाड़ी कार्मिकों के खातों में एक साथ धनराशि के ऑनलाइन DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं द्वारा लंबे समय से मानदेय वृद्धि को लेकर चली आ रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं के मानदेय में 1,800, 1,500 और 1,500 की वृद्धि की गई है। ये तय किया था कि हमारी सभी आंगनवाड़ी बहनों का जो मानदेय है उसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत विषम परिस्थितियों में वो काम करती हैं, लगातार रिस्क फैक्टर में रहती हैं। तो उनके लिए हमने घोषणा की थी कि उनका हम जो है मानदेय बढ़ाएंगे, तो हमने उनका मानदेय बढ़ाया है और आज मानदेय बढ़ाया ही नहीं है। जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं पूरी हो रही हैं। उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जो धनराशि बढ़ी हुई है मानदेय के रूप में, वो उनके बैंक खातों में सीधे सीधे जा रही है। बीमा मिलना चाहिए, पूरे वर्ष भर वो विपरीत परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में काम करती हैं। इससे 2,00,000 रुपए के उनके बीमे की घोषणा की है। साथ ही साथ जो NFSA के अंतर्गत नॉन NFSA में जो लोग आते हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनका भी जो है हमने 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मार्च 2022 तक की आज करने की घोषणा की है, वो भी जल्दी लागू हो जाएगा। मांग है कि लगातार इस तनख्वाह को सम्मानजनक किया जाए, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, आज आंगनवाड़ी कर्मी बहनें, या मैं कहूंगी कि हमारे आंगन की तुलसी या हमारे विभाग की तुलसी की उपाधि मैं उनको दूंगी, या वो आंगनवाड़ी माताएं, आज सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद आभार व्यक्त करने यहां पर आई थी। और पूरे गढ़वाल मंडल से, चाहे वो जनपद चमोली की बात करते हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग की बात करते हैं, उत्तरकाशी की करते हैं, पौड़ी की करते हैं, टिहरी की करते हैं, देहरादून की करते हैं, हरिद्वार की करते हैं, सभी जनपदों से हमारी आंगनवाड़ी बहनें आज यहाँ पर आई और जो सम्मानजनक उनकी मानदेय वृद्धि हुई है उसका धन्यवाद करने आज उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को दिया है। मैं समझती हूँ कि जो बढ़ती हुई धनराशि है, इससे पहले कोई भी पूर्ववर्ती सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री इतनी बड़ी धनराशि के साथ में मानदेय वृद्धि किसी ने नहीं की है। इतिहास रचने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। मैं हृदय की गहराई से, मेरा पूरा विभाग भी, महिलाएं भी उनका बहुत धन्यवाद करती हैं। रही बात उनकी अन्य मांगों की या मानदेय और बढ़ाए जाने की, तो निश्चित रूप से ये प्रयास सतत रहेगा। आने वाले समय 2022 से भगवान ने सब अच्छा किया तो निश्चित रूप से वो जो उनकी इच्छा है, वह भी इच्छा जो है, वो दिन वो अवसर कभी भी बन सकता है कि वह भी उनकी इच्छा जो है, जो कहें कि हम सबसे अधिक मानदेय हमें प्राप्त हो, तो उस और भी हम अग्रसर हो सकते हैं। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बहने हमारी जिस प्रकार से भी काम करती हैं, वो ग्राम सभा में भी काम करती हैं, विभागों के सर्वे भी करती हैं, वैक्सीनेशन का काम भी करती हैं, जनगणना का काम भी करती हैं, इन सब कार्यों के साथ साथ में निश्चित रूप से जब उनकी ट्रैवलिंग होती है तो कई बार जोखिम हो जाता है, कई बार घटना घटित हो सकती है। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीमा की व्यवस्था उनके लिए दी है और 2,00,000 रुपए तक का बीमा उनको जो है प्राप्त होगा। निश्चित रूप से कोई घटना घटित हुई, चोट हुई, 1,00,000 रुपए तक का उनको इलाज मिलेगा। कोई दुर्भाग्यवश घटना घटित होगी, 2,00,000 रुपए उनको जो है वो मिलेगा, बीमा मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी योजना जो है आज चिंतन में घोषणा की, उनका बहुत धन्यवाद।